बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर शहजाद इशरफ एंड यू आर वाचिंग टॉप स्पॉट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज एमडीकैट 2024 पंजाब का जो यूएचएस का पेपर जो है वो कंडक्ट हुआ और स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया गया, तो कंपैरेटिवली फिजिक्स का पोर्शन और ओवरऑल पेपर जो है वो काफी आसान देखने में आया। तो आज की वीडियो में हम क्विकली जो है वो आज का जो एमडीकैट का पेपर हुआ है, जो यूएचएस ने कंडक्ट किया, जो पंजाब के कैंडिडेट जो है जिसमें अपियर हो रहे थे, उसकी जो है वो की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक क्विक ओवरव्यू होगा और जल्दी जल्दी हम लोग की तरफ बढ़ेंगे और साथ में हम पेपर डिस्कशन की तरफ भी जा रहे होंगे। सो एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो हमारा राइट ऑप्शन अल्फा रहेगा, पावर इनपुट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट। हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर की ये कंडीशन जो है वो पढ़ रखी है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो है वो हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है। और नॉन आइडियल के केस में जो आउटपुट पावर है वो हमेशा लेस होती है इनपुट पावर से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन एंड द सर्किट कॉल्ड रेक्टिफायर। विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट एज ए रेक्टिफायर? तो हमने बारहा देखा कि जो डायोड होता है, सेमी कंडक्टर डायोड होता है, उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। जैसे हाफ वेव में आपने पढ़ा था, एक सिंगल डायोड से काम चल जाता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर होगा तो फोर डायोड यूज कर रहे होंगे, और अगर हमारे पास सेंटर टेप्ड होगा तो फिर दो से भी काम चल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगेन रेक्टिफिकेशन के बारे में है। इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखने में मिलेंगे। फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज गिवन बाय वन डायोड कनेक्टेड इन द ब्रिज टाइप। अच्छा, अब तमाम के तमाम जो ऑप्शन है ना, वहां पे ब्रिज टाइप ब्रिज टाइप ब्रिज टाइप का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो यू ऑल नो कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर से परफॉर्म करवा रहे हैं तो वहां पे डेफिनेटली हमें कितने डायोड्स यूज करना पड़ते हैं? फोर डायोड्स यूज करना पड़ते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डेल्टा। अब 126 जो क्वेश्चन है, ये कुछ स्टूडेंट ने डिस्कस किया कि सर इसका क्या आंसर आना था। तो आ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो राइट ऑप्शन रहेगा 40। अगर मैं आपको थोड़ा सा डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में बताऊं तो आप हमेशा फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का ग्राफ बनाते थे, ठीक है। इवन एफएससी में इसका प्रैक्टिकल भी है। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट करते थे वोल्टेज और यहाँ पे प्लॉट करते थे करंट। और आपको पता है फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान जब तक 0.7 वोल्ट लाइक थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं आएगा, अगर सिलिकॉन का बना हुआ है, तो उससे पहले पहले कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगा तो आपको एकदम ज्यादा करंट जो है वो देखने में आएगा। तो कर्व कुछ इस तरह की बनती थी, जबकि रिवर्स बायसिंग का जो ग्राफ बनता था वो कुछ इस फॉर्मेट का बनता था। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने है डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और ये बेसिकली ग्राफ प्लॉट किया जाता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज। तो आप सब लोगों को पता है कि जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल मूविंग एट दिस हैविंग अ मास दिस। देखिए, आपको स्पीड और मास गिवन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी हुई है। तो फेमस फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो आपको सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी। एच जो है वो 6.6 × 10⁻³ है, और बाकी प्रॉब्लम इज विद द मास एंड वेलोसिटी। तो मास यू कैन सी 10⁻³ - 30 है, और जो वेलोसिटी है वो 10⁻⁶ है। तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 10⁻²⁴ आएगा, उसको ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा, तो ये -34 और प्लस का 24। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6.6 × 10⁻⁻² आ जाएगा, और वेवलेंथ है तो डेफिनेटली द यूनिट्स विल बी मीटर। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। सॉल्यूशन भी मैं साथ साथ थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू द स्पेस एज अ वेव इज एन एविडेंट बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी लाइट आपको पता है ड्यूअल कैरेक्टर एग्जिबिट करती है, वेव और पार्टिकल कैरेक्टर। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें तमाम के तमाम वो ऑप्शन मौजूद हैं जो वेव कैरेक्टर को एविडेंट कर रहे हैं, लेकिन कौन से वाला वेव कैरेक्टर को एग्जिबिट नहीं कर रहा? तो यू ऑल नो इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, ये तमाम वेव की जो है वो लाइट की वेव नेचर को डिस्क्राइब कर रही होती हैं, लेकिन जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है और पेयर प्रोडक्शन है, ये लाइट की वेव नेचर नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर को जो है वो डिस्क्राइब कर रही होती हैं। विच सीरीज फॉल इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन? ठीक है, आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा का यूनिट पढ़ा हुआ है, जो लाइमन सीरीज है बच्चों वो अल्ट्रा वायलेट में आती है, जबकि ये ब्रैकेट के स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप देखें, आपको पता है, ठीक है, बामर सीरीज जो है वो सब लोग जानते हैं कि भाई ये हमारे आ रही होती है विजिबल में, और बाकी सबकी सब जो है वो आईआर में आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है
इसका यहाँ पे डायमंड सीरीज जो है, अगर हम उसकी बात करें तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द पोटेंशियल थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड सो दैट ऑन कोलिजन इट कैन लिफ्ट द इलेक्ट्रॉन इन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सम हायर एनर्जी स्टेट। अब दो तरह के पोटेंशियल होते हैं, एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो होता है जो प्रोवाइड किया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट से एस्केप कर जाए और किसी हायर ऑर्बिट में ना जाए, बल्कि एटम का हिस्सा रहेगा ही नहीं, ठीक है, आयोनाइज हो जाएगा, यानी एटम को जो है वो छोड़ देगा। लेकिन अभी हम जो पोटेंशियल दे रहे हैं उससे ये ग्राउंड स्टेट को छोड़ के किस में जा रहा है, हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो डेफिनेटली हम एक्साइट करवा रहे हैं। तो दैट टाइप ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड द एक्साइटेशन पोटेंशियल। विच ऑफ फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्स रेज इज इनकोरेक्ट? ओके, हैविंग हायर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। भाई नहीं, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सब लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, आप लोग जानते हो कि यहाँ पे सेंटर में हमारे पास विजिबल होती है, इससे जो कम वेवलेंथ होती है वो आईआर की होती है, उससे सॉरी आईआर नहीं, यूवी लिखना है मुझे यहाँ पे, इससे कम जो वेवलेंथ है, ज्यादा नहीं, इससे कम वेवलेंथ जो है वो यूवी की है, ठीक है, और यूवी से भी कम वेवलेंथ जो है वो एक्स रेज की है, और सबसे कम आपको पता है वो गैमा रेज की होती है। तो यहाँ पे देखो, जब हम इस साइड को जा रहे हैं ना विजिबल से गैमा रेज की तरफ, तो बच्चों वेवलेंथ कम हो रही है, तो पूछ रहा है कि कौन सी गलत है, बोल रहा है एक्स रेज हैव हायर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। भाई नहीं, एक्स रेज की वेवलेंथ तो लोअर होती है, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, भाई बिल्कुल सही है, दे आर हाई पेनिट्रेटिंग इन द सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज, बिल्कुल ठीक है, दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स कंपेरेटिवली, द यूनिट ऑफ डिके कॉन्स्टेंट, भाई आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है जो डिके कॉन्स्टेंट, उसके यूनिट पर सेकेंड होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा था फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स के तो कोई यूनिट नहीं होते बट टाइम के यूनिट सेकंड होते हैं, तो ये पर सेकंड आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिविटी से है। इफ एन नॉट इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ एन हाफ लाइफ द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, आपने बारहा अनडिकेड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कि अनडिकेड का जो फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है एन नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर n। तो उसने थोड़ा सा आपको उसने बेहतर करके लिख दिया है कि लाइक उसने एन नॉट अलग लिख लिया हुआ है और 1 अपॉन 2 की पावर n लिख दें तो बात एक ही है, ठीक है, 1 की कोई भी पावर ले लें वो 1 ही आएगा और नीचे 2 की पावर n, लाइक इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली एन नॉट अपॉन 2 की पावर n नहीं बनेगा। तो इससे मिलता जुलता जो फॉर्मूला है वो अल्फा नहीं है, बीटा नहीं है, भाई एन नॉट के ऊपर पावर नहीं आती, ठीक है, सो सॉरी चार्ली नहीं है, तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा बीटा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, सोमैटिक वो है लाइक जो बॉडी के अंदर एंटर होके तो वहां पे उस तरह से जो है वो डैमेज नहीं कर रहा होता, तो जीन्स म्यूटेशन जो है वो सोमैटिक इफेक्ट एक्चुअली नहीं है, ठीक है, बाकी तमाम के तमाम बनते हैं। ओके, ये 136 क्वेश्चन जो है ये भी काफी स्टूडेंट्स ने कंसल्ट किया कि भाई इसका क्या ऑप्शन आना चाहिए। एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड बाय बम्बोरिंग हाई एनर्जी पार्टिकल ऑन अनस्टेबल एलिमेंट। नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है, जो ऑलरेडी अनस्टेबल है भाई उन्हें हमें क्या जरूरत है रेडियो एक्टिव बनाने की, वो तो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है, ठीक है, सो लो एनर्जी पार्टिकल ऑन अनस्टेबल एलिमेंट, भाई नहीं, ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल ऑन स्टेबल एलिमेंट्स, हाँ ये बेहतर ऑप्शन है कि हम न्यूट्रॉन को, अल्फा पार्टिकल्स को, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन्स वगैरह को, प्रोटॉन्स को हम लोग स्ट्राइक करके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जिसके बारे में रदरफोर्ड ने काफी ज्यादा काम किया, तो हाई एनर्जी पार्टिकल ऑन स्टेबल एलिमेंट्स इज द राइट ऑप्शन, सो चार्ली शुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, अगला सवाल बहुत ही आसान है। इन एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी, भाई इलास्टिक कोलिजन वही होता है जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, तो डेसिपेट्स आफ्टर कोलिजन, नहीं, इंक्रीजेस आफ्टर कोलिजन, बिल्कुल नहीं, रिड्यूसेस, हाँ डेल्टा राइट ऑप्शन है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यू कैन सी के पेपर जो है वो काफी ज्यादा आसान रहा, बस चंद एक क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट ने डिस्कस किए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्व पाथ इज अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, जब भी लाइक अगर मैं क्या करूं, कोई भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, और अगर ये किसी भी टाइप का कर्व ग्राफ बन रहा है, तो किसी भी लम्हे अगर अपने वेलोसिटी पता लगानी तो आपको स्लोप मालूम करना पड़ेगा, और स्लोप मालूम करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या मालूम करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द स्लोप, एंटी पैरेलल टू द रेडियस, पैरेलल टू द रेडियस, तो राइट ऑप्शन जो बेहतर लग रहा है
वो अलोंग द टेंजेंट लग रहे हैं. ओके, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम इफ द फैक्टर साइन ऑफ टू थीटा बिकम्स इक्वल टू वन. आपने रेंज का फॉर्मूला पढ़ रखा है, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रेंज का साइन ऑफ टू थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. जब जब साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, रेंज मैक्सिमम होगी. और आप सब जानते हो कि साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा माइनस वन से वन तक वेरी करती है, यानी साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो वन आती है. तो जब साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो भाई रेंज भी मैक्सिमम होगी. ओके, द टू डायमेंशनल मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. इफ द इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द ग्राफ. हाँ, तो ये आपने बार बार पढ़ा है और परेशान होने वाली बात नहीं है. अगर आपको ना समझ आ रही हो तो आपने एरिया ऑफ द ग्राफ मालूम करने के लिए सिंपली जो भी एक्स और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है. तो जब भी आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक्चुअली आ रहा होता है क्या भला, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. स्पीड नहीं आती, वेलोसिटी नहीं आती, एक्सेलरेशन नहीं आती. हाँ, एक्सेलरेशन आ रहा होता है बट दिस इज नॉट फ्रॉम द एरिया. ये कहाँ से आता है, ये स्लोप से आ रहा होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स एनर्सिया. देखें कितने आसान आसान ये इंटर लेवल पे बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 MJ. ये पीएमसी 2020 के पेपर में भी आया हुआ था और देखें फिर से रिपीट हो रहा है. हाँ, 144 के बारे में भी कुछ स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, विच ऑफ फॉलोइंग इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिक्शनल फोर्स के केस में डेफिनेटली वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा. क्यों भला, क्योंकि आप अगर डिफरेंट पाथ से मूव कर रहे होगे वहां पे डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्सेज होंगी तो अलग अलग टाइप के वर्क करने पड़ेंगे. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली नॉट द कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, और फिर वर्क की डेफिनेशन जो है वो यू ऑल नो, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स को हम लोग लाइक एफर्ट भी बोल सकते हैं. सो दिस मस्ट बी द एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. अगला सवाल देखें, बहुत ही आसान, बेसिकली जूल की डेफिनेशन है कि अगर 1 न्यूटन की फोर्स है वो किसी बॉडी पे 1 मीटर तक एक्ट करे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है. तो बेसिकली वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा. अगर हम फोर्स को रख लें 1, डिस्प्लेसमेंट को रख लें 1 और थीटा को रख लें 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है. और कॉस 0 का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है. तो देखें वर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 जूल आएगी. तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा अल्फा. ओके, एक दो न्यूमेरिकल देखने में है जो आपको, और वो भी बड़े आसान थे. एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू लिफ्ट द वेट ऑफ 2 न्यूटन. देखें आपको फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 100 सेंटीमीटर, और 4 सेकंड लगे इसको अपलिफ्ट करने में. तो पावर पता लगानी है. तो पावर का बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क की जगह पे लिखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. देखें फोर्स कितनी है, 2 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट है 100 सेंटीमीटर. भाई 100 को 10 की पावर 2 लिखें, और सेंटी नहीं लिखना बेटे, मीटर लिखना है. सेंटी की जगह आप 10 की पावर -2 लिखोगे, अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. तो ये 2 और -2 कैंसिल कर दें, 2/4 कितना होगा, 1/2, और 1/2 जो है वो कितना बनेगा, 0.5 बनेगा. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताना है. तो आपने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बेस बहा फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जिनमें वी स्क्वेयर अपॉन आर भी है और आर ओमेगा स्क्वेयर भी है. फिर ओमेगा की जगह आप टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर इज द राइट ऑप्शन. एन एयरक्राफ्ट मेक्स अ टर्न इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर. ओके, इट इज ट्रेवलिंग विद द velocity of 250 meter per second, linear velocity. Okay, this is actually the radius. What is the angular velocity? देखें circular motion की बात हो रही है, radius, linear velocity और angular velocity involved है. तो v is equal to r omega and omega is equal to v upon r. Velocity we are having 250 and r we are given with the 100. तो जैसे आप solve करेंगे your answer must be 2.5 और units will be radian per second. और units का बिल्कुल issue नहीं था, तमाम में रेडियन पर सेकंड दिए हुए थे. ठीक है, अच्छा 150 वाला क्वेश्चन जो है दैट वाज आल्सो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन. अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v. तो अभी कोई ना कोई सेंट्रीपेटल फोर्स डेफिनेटली लग रही है, जिसका फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर. अब स्टेटमेंट सुने, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, लेट्स फाइंड आउट द न्यू सेंट्रीपेटल फोर्स. आपने क्या करना है, मास वही रखना है, वेलोसिटी की जगह डबल कर दो. और वेलोसिटी को डबल कर दिया और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो रेडियस की जगह आप 4r लिख दो.
तो यहाँ पे ऊपर बनेगा 4 mv² क्योंकि 2v का स्क्वेयर लेंगे तो 4v, और नीचे 4r, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गए। देखें यू आर गेटिंग द सेम आंसर जो हमारे पास पहले आता था, तो सेंट्रिपेटल फोर्स जितनी पहले थी भाई अभी भी उतनी ही आ रही है। ओके देखें बच्चों काफी ज्यादा आसान पेपर रहा, और अगला एक और न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है, बट अगेन दैट इज कंपैरेटिवली इजी। अ रोलर कोस्टर इज मूविंग विद द 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर। देखें लीनियर स्पीड और रेडियस दे रखा है, नेट मास जो है वो एम है, सेंट्रिपेटल फोर्स बतानी है, ठीक है। सो सेंट्रिपेटल फोर्स यू ऑल नो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, तो एम वी कितना है 30 है उसका स्क्वेयर, और रेडियस भी 30 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो द सेंट्रिपेटल फोर्स कम्स आउट टू बी 30 m और न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। ओके 152 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड इन द फॉलोइंग फिगर इज गिवन बाय, ओके लाइक 2 मीटर, 1। अच्छा एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से जितना वो जाते जाते जब वो मैक्सिमम दूर चला जाता है, तो जब वो मैक्सिमम दूर जाता है तो तब इस मीन लेवल से जो डिस्टेंस होता है बेटे उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और ये लेबल्ड है 1 मीटर, ठीक है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन जो है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो ये 1 मीटर आएगा। ओके अगला सवाल सुनिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट अबाउट द नोड्स व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग्ड, भाई जब इस स्ट्रिंग को प्लग करेंगे नोड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज जीरो, भाई ये तो होता ही है, नोड्स के एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन जीरो होते हैं। डू नॉट मूव अलोंग द स्ट्रिंग, हाँ ये स्टेशनरी पार्टिकल होते हैं, डेफिनेटली मूव नहीं कर रहे होते। प्रोड्यूस्ड एट द फिक्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग, भाई बिल्कुल ये भी सही है, अगर आप एक रस्सी को लाइक आप क्या करो ऑसिलेट करवा के छोड़ोगे तो हमेशा जो रस्सी के फिक्स एंड हैं, ठीक है, जो फिक्स एंड हैं लाइक ये वाले एंड जो है यहाँ पे हमेशा नोड्स ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव नोड्स इज 1 वेवलेंथ, भाई नहीं, हमने गलत ढूंढना है, आपको पता है दो कंजक्टिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 वेवलेंथ नहीं बल्कि लैम्डा बाय 2 होते हैं, और गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि हमारे पास कौन सी आ रही है, डेल्टा आ रही है। इन द ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन अबव द मीन लेवल इज, अब मुझे हंसी आ रही है बड़ा आसान पेपर रहा, मीन लेवल से ऊपर जो पोर्शन होता है बेटे उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव, इनमें से क्या चीज जो है वो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी वाली होनी चाहिए। ओके द वेव मस्ट बी ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, भाई उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, भाई डेल्टा भी सही है। द वेव मस्ट हैव सेम स्पीड, द वेव मस्ट हैव अनइक्वल, द वेव्स हैव अनइक्वल एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे 40 जो है वो हमें बेहतर ऑप्शन मिलेगा, एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके स्टेशनरी वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो 40 रहेगा। भाई डोपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है, व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है, तो हमारी एफएससी की बुक में केस नंबर 3 है, तो उसका फॉर्मूला वी अपॉन वी माइनस यूएस मल्टीप्लाई बाय एफ होता है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो हमें अल्फा दे रखा है, तो राइट ऑप्शन आ गया अल्फा। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल विच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड, भाई डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड तो हो नहीं सकता, एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलते हैं। अब या तो एम्पलीट्यूड है या वेवलेंथ है, ठीक है, तो भाई आपको पता है लाइक अगर मैं एक उसकी ट्रांसवर्स वेव की बात करूं, तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल क्या है, इन फेज है, आपने इन फेज पार्टिकल पढ़े होंगे जिनका फेज ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम होता है, या इन फेज पार्टिकल वो होते हैं जिनका पार्ट डिफरेंस जो होगा वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होते हैं ना, तो इन फेज पार्टिकल से मुराद लाइक दो क्रस्ट हो सकते हैं या दो ट्रफ के ऊपर मौजूद पॉइंट्स हो सकते हैं, तो दो इन फेज पार्टिकल के बीच में यूजली जो डिस्टेंस होता है वो इन द मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, यानी वेव लेंथ ही होता है, ठीक है, तो 40 हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। ड्यूरिंग द आइजोथर्मल प्रोसेस, अच्छा आप आइजोथर्मल प्रोसेस का पता है सब लोगों को कि भाई टेम्परेचर जो है वो क्या रह रहा होता है, कॉन्स्टेंट रह रहा होता है, तो ऑप्शन ऑल्टर्स थ्रू द प्रोसेस, नहीं ये भी नहीं है, इंक्रीजेस थ्रू आउट द प्रोसेस, भाई ये भी नहीं है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द प्रोसेस, बस शुरू में सेम रहेगा, भाई नहीं, रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हीट एनर्जी इन द एडियाबेटिक प्रोसेस, अब बच्चे कह रहे हैं ये कोई कैलकुलेशन थी भाई, मालूम करना था, कुछ बच्चों ने कैलकुलेशन देखे परफॉर्म भी की हुई है, भाई ये एडियाबेटिक प्रोसेस है इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, सो डेफिनेटली जो हीट के बारे में क्वेश्चन है तो हीट की वैल्यू जीरो आएगी। अब कुलॉम्स लॉ स्टेट्स, अब देखें स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं,
तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, नहीं इनवर्सली नहीं है तो ये गलत हो गया। बीटा को पढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, बिल्कुल सही है भाई, फोर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्स रिलेशनशिप होता है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही है, कुछ बच्चों को डेल्टा लग रहा था, पर डेल्टा में बच्चों इनवर्स का वर्ड नहीं लिखा हुआ, इस वजह से सही नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना था। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ। तो आपको पता है ये पोटेंशियल जो होता है ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन है। कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है वो फैरेड होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इन द मिडल रीजन, ये यूनिफॉर्म होता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कि दो प्लेट्स के बीच में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो सेम डायरेक्शन में और इक्विडिस्टेंट होती हैं, तो यूनिफॉर्म फील्ड मिलता है। 164, ये लास्ट ईयर के पेपर में भी क्वेश्चन आया था यूएसएसके में, और अभी दोबारा फिर से आया। आपको गिवन है चार्ज, आपको गिवन है वर्क, और आपको पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस। यू ऑल नो द पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जिनको नहीं आता देखें ऊपर क्वेश्चन भी दिया हुआ था, वर्क जो है वो 600 जूल का है, चार्ज 2 कूलॉम का है, तो आंसर आएगा 300, और पोटेंशियल है तो यूनिट्स विल बी वोल्ट। बीटा राइट ऑप्शन रहेगा। देखें बहुत आसान पेपर है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है। देखो चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स आपने जैसे कूलॉम फोर्स पढ़ी हुई है ना, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये किसके बीच में, चार्जेस के बीच में तो है, ये बोल रहे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, दे कैन बी अट्रैक्टिव, भाई सही है, अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव हो सकती है, दे कैन बी रिपल्सिव भाई हो सकती है, दे एक्ट ऑन द मैसेज, भाई ये मैसेज के ऊपर जो है वो एक्ट नहीं करती, ये चार्जेस के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत आसान करंट से रेलिवेंट क्वेश्चन। अ चार्ज ऑफ 90 कूलॉम पासिस थ्रू वायर इन 30 सेकेंड, देखें करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज 90 कूलॉम का है, टाइम 30 सेकंड का है, तो करंट जो होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3 एम्पेयर। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन अ मैटर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इट्स, लें जी कितना करंट गुजरेगा वो पोटेंशियल पे डिपेंडेंट होगा, अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा जाए, ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ। व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन रेजिस्टिविटी, भाई रेजिस्टिविटी डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं है, तो जितना मर्जी लेंथ एरिया डाया रेडियस को वेरी कर लें, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर, भाई जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, उनका रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होएगा। तो मेरा बेटा वो बोल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, भाई रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, मेटल होती तो इंक्रीज करनी थी। वोल्ट इनटू एम्पेयर, आपने फेमस पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पी इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो आपको पता है वोल्टेज के यूनिट वोल्ट्स होते हैं और करंट के यूनिट एम्पेयर होते हैं, तो जब भी वोल्ट को एम्पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आएगी। द फॉर्मूला फाइ इज इक्वल टू बी डॉट ए रेप्रेजेंट्स, भाई ये बी आ गया तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। और विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लाइन स्टार्ट एट द नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है। लाइन्स नेवर टच और क्रॉस ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही है। लाइन्स आर द लाइन्स आर कर्व्ड, भाई ये भी हो सकती है, बट डेल्टा ऑप्शन को देखें, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लाइन्स आर फार्देस्ट, नहीं, जब लाइन्स दूर दूर होंगी तो डेफिनेटली जो फील्ड होगा वो स्ट्रांग नहीं होगा बल्कि वीक होगा। तो हमने गलत स्टेटमेंट ढूंढनी थी, इनकोरेक्ट ढूंढनी थी बच्चों, तो डेल्टा ऑप्शन आ गया हमारा। और बढ़ते हैं आखिरी दो तीन क्वेश्चंस की तरफ, देखें बड़ा आसानी से और बड़ा जल्दी से पेपर सॉल्व हो रहा था। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ना बी को बोलते हैं, बी के बहुत सारे नाम हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो ये सारे इसी के नाम हैं। तो खैर बी का पूछ रहा है, तो आपने फेमस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फाइ इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो यहां से बी की वैल्यू पता लगाएंगे तो वो फ्लक्स पर यूनिट एरिया आएगी, फ्लक्स के यूनिट होते हैं वेबर और एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट बनेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो जिसको आप टेस्ला भी बोलते हो। द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस द करंट, भाई ये लैग्रैन्ज लॉ की स्टेटमेंट है कि जो भी करंट को प्रोड्यूस करेगा तो करंट जो है वो उसको हमेशा अपोज करेगा। इन एसी जनरेटर द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन द फैक्टर साइन ऑफ मेगा टी इज इक्वल टू 1, भाई ये बताता हूँ कैसे। आपने
ईएमएफ का फॉर्मूला पड़ा हुआ है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। भाई वही बात आ गई कि आपको जो ईएमएफ है वो साइन फंक्शन पे डिपेंडेंट है। ऐसा ही है, साइन ऑफ ओमेगा टी यानी साइन फंक्शन पे डिपेंडेंट है। अब साइन फंक्शन की वैल्यू -1 से लेके 1 तक वेरी करती है, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 आती है, और जब साइन फंक्शन की वैल्यू ज्यादा ज्यादा आएगी ईएमएफ भी ज्यादा ज्यादा आएगी। तो ईएमएफ मैक्सिमम लाने के लिए आपको साइन फंक्शन की वैल्यू कितनी लानी है, 1 लानी है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। अच्छा, ये थोड़ा सा इसने ना लाइक थोड़ा एम्बिगुअस कर दिया चीज को, लेकिन खैर दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का ही प्रिंसिपल चल रहा होता है, ठीक है। वैसे जो जनरेटर है वो फैराडे लॉ पे बेस कर रहे हैं, और जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस कर रहे हैं, लेकिन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस ही, तो एम्बिगुअस होने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली फैराडे लॉ दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। तो लें जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एमडी कैट 2024, जो एमडी कैट का पेपर हुआ यूएचएस का फिजिक्स का, देखें कंपैरेटिवली आसान रहा। तो ये है आज के पेपर की की। उम्मीद है आपको जो है वो सही आंसर की तरफ आप लोग देख चुके होंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।